दोस्तों, जिस प्रकार से हम मोबाइल खरीदने के बाद तुरंत हम एसेसरीज खरीदते हैं हमारे मोबाइल के लिए, सेम उसी प्रकार DSLR खरीदने के बाद कुछ कंपलसरी एसेसरीज हमें खरीद लेना चाहिए हमारे DSLR के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली एसेसरीज के बारे में बात करूंगा जिनको हमें हमारे DSLR के लिए खरीद लेना चाहिए। बाय द वे, यहाँ पे मैं एक सीरीज क्रिएट करने वाला हूँ जिनके अंदर मैं DSLR के रिलेटेड जितने भी नेसेसरी एसेसरीज है वो सभी एसेसरीज को मैं यहाँ पे वन बाय वन वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा। आने वाले सभी वीडियोस के अंदर मैं जितनी भी एसेसरीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो सभी यहाँ पे बजट फ्रेंडली रहने वाली है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है एक लेंस हुड जो है यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने मंगवाया था मेरे प्राइम लेंस के लिए। सो दोस्तों, मेरे साथ बने रही इस वीडियो के अंत तक। सो है एवरीवन, दर्शन इज हियर विथ अनदर टेक वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से जाके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं लेंस हुड के बारे में। तो यहाँ पे ये जो लेंस हुड आप देख पा रहे हो, जो कि मैंने मंगवाया था मेरे प्राइम लेंस के लिए, एंड मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको टोटल दो टाइप का जो है लेंस हुड देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला है बायोनेट, जो कि कुछ आपको इस प्रकार के शेप के अंदर जो है देखने के लिए मिलेगा। एंड एक दूसरा भी जो है लेंस हुड मिलता है जिसको हम कहते हैं फ्लावर टाइप का लेंस हुड, जो कि कुछ इस प्रकार का जो है फ्लावर शेप के अंदर आपको जो है लेंस हुड देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, ये लेंस हुड को हम दोनों तरीकों से लगा सकते हैं हमारे लेंस के ऊपर, कुछ इस प्रकार से भी लगा सकते हैं एंड उसको हम रिवर्स करके भी हमारे लेंस के ऊपर जो है इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए, तो ये लेंस हुड को मैं इस प्राइम लेंस के ऊपर आपको लगा के दिखाता हूँ एंड हम बाद में बात करेंगे कि लेंस हुड को हमें क्यों कंपलसरी हमारे लेंस के ऊपर लगा के ऑलवेज रखना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो लेंस है वो लेंस के ऊपर इस लेंस हुड को यहाँ से रोटेट करके हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा लेंस फाइनली हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सेम एज वे, अगर हमें इस लेंस हुड को यहाँ से निकालना है इस लेंस के ऊपर से, तो यहाँ से हमें एक बटन दिया है जिस बटन को हमें यहाँ पे प्रेस करके रखना है एंड देन हमें इसको सिंपली रोटेट करना है। देन ये जो लेंस हुड है यहाँ से आसानी से रिमूव हो जाएगा। वन मोर थिंग, ट्रैवलिंग करने के दौरान हमारे बैग के अंदर जो है स्पेस बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लेंस हुड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे एंड रिमूव करने के बाद जो है उसको हम यहाँ पे उल्टा हमारे लेंस के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं। एंड फाइनली हमारा लेंस हुड जो है कुछ इस प्रकार से रिवर्स पोजीशन के अंदर हमारे लेंस के ऊपर दिखता है। एंड यहाँ पे मेरे पास है 18-55 जो कि एक किट लेंस, एंड किट लेंस के अंदर भी मैंने यहाँ पे एक जो है फ्लावर शेप का यहाँ पे एक लेंस हुड को लगा के रखा है। एंड अगर आप इसको रिवर्स पोजीशन में लगाना चाहते हो तो भी आप इसको रिवर्स पोजीशन में भी लगा सकते हैं अपने लेंस के ऊपर। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेंस हुड एंड हमारा लेंस का जो केप है वो दोनों को हम एक साथ में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि क्यों हमें लेंस के ऊपर जो है हमारा लेंस हुड को लगा के ऑलवेज रखना चाहिए। रीज़न नंबर वन यहाँ पे ये है कि लेंस का प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे लेंस हुड को यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो है जब हम लेंस हुड को लगा के रखते हैं तो स्केचिस से या फिर कोई जगह पर टकराने से या फिर आउटर डैमेज से हम इस लेंस को हम बचा सकते हैं जब हम लेंस हुड को लगा के रखेंगे। रीज़न नंबर दो की अगर मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा ग्लेयर से बचने के लिए लेंस हुड का हम यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सनी एटमोसफियर के अंदर अगर हम शूट कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर साइड में से जो है एक्स्ट्रा लाइट हमारे लेंस के अंदर जाने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है एंड उसी वजह से जो है एक्स्ट्रा ग्लेयर हमारे तस्वीर के अंदर नज़र आता है एंड उसकी वजह से हमारा जो फाइनल तस्वीर है वो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो एक्स्ट्रा ग्लेयर से बचने के लिए हम हमारे लेंस के ऊपर जो है इस प्रकार का लेंस हुड जो है लगा के रख सकते हैं। रीज़न नंबर थ्री, लेंस हुड का यूज़ करने से हमारे तस्वीर के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट जो है हम फाइनल आउटपुट के अंदर पा सकते हैं। एंड रीज़न नंबर फोर की अगर मैं बात करूँ तो लेंस हुड लगाने से हमारे लेंस का जो लुक है वो लुक यहाँ पे टोटली जो है चेंज हो जाता है एंड कुछ इस प्रकार से हमारा जो लेंस है वो लेंस फाइनली यहाँ पर हम देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, यहाँ पर रीज़न नंबर फाइव के अंदर मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब हम लेंस हुड का यूज़ करते हैं तो हम हमारे लेंस को धूल मिट्टी, डस्ट या फिर रेन या फिर स्नोफॉल से हमारे लेंस को ऑलवेज
बचा सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट हमें मिलेगा जब हम लेंस हुड को हमारे लेंस के साथ यूज करेंगे। बाय द वे दोस्तों, ये दोनों लेंस हुड का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये दोनों लेंस हुड को खरीदने में, तो आपको जो लिंक है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर से मिल जाएगा। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है देन वीडियो के ऊपर जरूर से लाइक करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो एज ऑलवेज आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल यू डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू एंड बाय फॉर नाउ।